उनकी लिपस्टिक आती थी 2-2 लाख रुपए की। लिपस्टिक पे ध्यान नहीं देना है। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है। किससे शादी करेगा? बोले प्रियंका से। इतनी गर्मी दे दो अपने आप को कि तुम बदल जाओ। कभी दृष्टि को गलत जगह पे मत ले जाना। मदद करो, हम तुम्हारे लिए लड़ने जा रहे हैं। जब तुम व्हाट वाई करते हो ना, खासकर व्हाट वाई और स्पेशली वाई, उसी वक्त तुम्हारा दिमाग जिंदा हो जाता है। इसीलिए ये जो चिन्ह बनाया गया, ये चाबी की तरह दिखता है। इस चिन्ह का मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग को खोलना है। बस ये कितना प्यारा चिन्ह बनाया सोचकर, चाबी माफिक, जैसे चाबी होती है ना, से लगाया, खोल दिया। दिल्ली सल्तनत शासन की शुरुआत हुई। इल्तुतमिश पहला दिल्ली सुल्तान क्या बनवाता है बिल्डिंग में? कुतुब मीनार बनवाता है। क्वेश्चन मार्क लग गया, क्यों? क्या जरूरत पड़ गई कुतुब मीनार बनवाने की? शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन मार्क लग गया, क्यों? भारत में तुम राजा बने, मीनार क्यों बनवा रहे हो? आज भी देखो, हर खेल में ट्रॉफी होती है ना, जीत की निशानी है ट्रॉफी। तो इल्तुतमिश को यह संदेश देना था हिंदुस्तान को कि हम विजेता, मतलब शासक। बस तुम बस इसको चाबी लगाओ, जो तुम्हारे सामने पड़े हो उस पर तुरंत क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये क्यों? फिर धीरे धीरे देखो तुम्हारा कैसे विकास होता रहता है। वो क्यों इतनी मजेदार चीज है? बहुत मजेदार, तुम पढ़कर आगे निकल जाते हो। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई? लुई 16, उनकी श्रीमती जी मारिया एंटिनोट, उनकी लिपस्टिक आती थी 2-2 लाख रुपए की। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आनी चाहिए। लिपस्टिक पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन राज्य आर्थिक संकट का शिकार है, उस समय आ रही है, यह दिक्कत है। स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। सुभाष चंद्र बोस ने जब सिंगापुर से इस देश के लोगों को कहा कि मदद करो, हम तुम्हारे लिए लड़ने जा रहे हैं, औरतों ने अपने शरीर के गहने उतार कर उनको दे दिए। तुम्हारा देश संकट में है और तब तुम लिपस्टिक मंगा रहे हो, यह प्रॉब्लम है, लिपस्टिक प्रॉब्लम नहीं है। कभी दृष्टि को गलत जगह पे मत ले जाना। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है। 95% लोग नहीं जानते कि समस्या क्या है। और समस्या एक ही है, इस दुनिया में एक ही समस्या है, जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा है, तुम्हारा मन। और जीवन में कोई समस्या नहीं, बाकी सब समस्याएं फिजूल हैं, बेकार। एक बच्ची आई थी मिलने के लिए नीट की, कहीं मन नहीं लग रहा पढ़ने में। मैंने कहा मेरा भी नहीं लग रहा। कैसे लगेगा मन जब तक तुम उस चीज को समझोगे नहीं, कनेक्ट नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, मन कैसे लग? तुम रटना चाह रहे हो, चारों तरफ यही तो हो रहा है, और दिन भर तुम पढ़ रहे हो, तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो कम से कम, तुम सारे लोग। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम 8 घंटा खाना खाओ, ये पेट सरवाइव करेगा? फट जाएगा। 8 घंटा खाना खाने के लिए कम से कम 8 घंटा दौड़ना पड़ेगा। खाए, 1 घंटा आराम किए, फिर 25 किलोमीटर दौड़े, तभी तो हजम होगा। फिर खाए, फिर दौड़े। तुम एक एक्सपेरिमेंट कर डालो, 8 घंटा खा के देखो,
जब 8 घंटा यहां से नहीं खा सकते तो 8 घंटा डायरेक्टली यहां क्यों टॉयलेट जा रहे हो? ये भी पेट ही तो है। 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, क्वेश्चन मार्क वार्क लगा के समझ के बंद कर दो किताब और फिर कुर्सी पे ऐसे बैठो, ऐसे आराम से, ऐसे आंख ऐसे सर पीछे कर लो दीवार से टिका के, आंख बंद कर लो। ऐसे नहीं कि मेज पे ऐसे पैर वर रख लिए, वो वाला हिसाब किताब नहीं करना है। 1 घंटा पढ़ो, 20 मिनट मनन करो, 20 मिनट। भले तुमको घर वाले कहें कि सो रहे हो, तुम्हारे मन को बड़ा आराम मिलेगा। हर 1 घंटे पे 20 मिनट आंख बंद कर लो, उसको हजम होने दो जो पढ़े हो, उसको जुड़ने दो, उसको कैलकुलेट होने दो, विचार उठने दो। तुम 8 घंटा लगा के गन्ना पेरे हो, कुछ यहां सेटल हो ही नहीं पा रहा है। तुम बस घड़ी देख रहे हो कि 5 हो गया, फिर जब 8 पूरा हो गया तब तुमको खुशी इस बात की नहीं हुई कि तुम पढ़े कुछ समझे, तुमको खुशी इस बात की हुई कि आज 8 घंटा पढ़े। फर्जी की खुशी। तुम 8 घंटा पढ़े और तुम्हारा कुछ तैयार नहीं हुआ और तुम खुश हो, और तुम सोचो तुम 4 घंटा पढ़े और 2 टॉपिक तैयार हो गया कि अब कोई भी कहीं से भी पूछे, तो ये खुशी मनाने की बात है कि 8 घंटा बैठ के पढ़ने वाली बात है? पहली वाली कि 2 टॉपिक तुमने पढ़ा, क्लियर हो गया, अब पूछो, हजम हो गया, ऐसे पढ़ो। हर 1 घंटे के बाद 20 मिनट आंख बंद कर लो, वो 20 मिनट डाइजेशन होता है, डाइजेशन उसको करो। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, और जो पढ़ो किसी को समझा दो जाकर। समझा तभी पाओगे जब खुद समझे हो, और देखो 6 महीने के अंदर तुम्हारी तैयारी कैसे होती। इतनी गर्मी दे दो अपने आप को कि तुम बदल जाओ। योग, ध्यान, पढ़ाई, खेल, ये 4-5 काम करो बस। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, साहित्य उठा लो, रामधारी सिंह दिनकर ले लो, रश्मिरथ, उसको पढ़ो। एक से एक हिंदी में नॉवेल है, एक नॉवेल खरीद लो, पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। लिख लो आचार्य चतुर्सेन, वैशाली की नगरवधू, पर एक ही खरीदना, एक जब खत्म हो जाएगी तो हमको बताना, तो हम तुम लोग को एक दूसरी बताएंगे। इससे तुम्हारी सोचने की क्षमता का विकास होगा। वैशाली की नगरवधू, आचार्य चतुर्सेन, वो थी ना अमरपाली, आजाद शत्रु के टाइम पे, उसकी कहानी है ये। वैशाली की नगरवधु, जब सब ये खत्म कर, आराम से पढ़ना, 2 पेज पर डे, 3, जब पढ़ के ऊब गए उठा के पढ़ने लगे, और 2 घंटा खेलना है। कोई नहीं है खेलने वाला, झील चले जाओ, कारगिल पार्क तुम्हारा, दौड़ो यार, कितना बढ़िया रनिंग वो बना रखा है, बहुत बढ़िया। शाम को सुबह मस्त हवा चलती है, पानी भरा हुआ है झील में, पेड़ लगे हुए चारों तरफ, और कम से कम 50 बार सांस अंदर बाहर करो, सब लंग्स में ऑक्सीजन भर लो, फ्री में मिल रहा है। छह महीने ये सब काम करके देखो, देखो तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आता है। अब वो सूर्य नमस्कार उसको शुरू कर दो। उसमें एक चीज का ध्यान रखना, वो जो सांस अंदर और ले जाना बाहर करना है, उसका ध्यान रखना, उसमें गलती मत करना। कुछ लोग सांस पे ध्यान नहीं देते, पीछे गए तो सांस अंदर है, आगे आए तो सांस बाहर है। तो पोस्चर में सांस का बहुत स्थान है। अब देखो तुम्हारा मन कितना रिलैक्स रहेगा। ये मन जो सारी मूवी की कहानी सेव किए हुए है, सारा घर का पंचौरा सेव किए हुए है, नर्सरी क्लास में जो 13 लड़कियां पढ़ती थी उनका नाम याद है, ये मन
तो ये प्राचीन भारत के राजा याद नहीं रख सकता? ये कहता है क्यों याद रखें, बताओ हमें। तुम वो बता नहीं पाते कि इसलिए याद रखो। नर्सरी की लड़कियां याद है, वहां कारण था। किसी के बाल तुमको अच्छे लग रहे थे, किसी की आंखें अच्छी, तो कारण था। सोचते थे इसी शादी करेंगे बड़े हो। वो छोटे बच्चों से घर वाले पूछते नहीं है किससे शादी करेगा, बोले प्रियंका से। पता चला प्रियंका क्लास में पढ़ती है, दोनों ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं। किसी चीज को याद रखने का कारण होता है। तुमने क्या किया पढ़ाई में, कारण छोड़ के सिर्फ याद करना शुरू कर दिया, बस तुम परेशान हो गए। लेकिन जब वही कहते हैं ना, जब तरीका पता चल जाता है, जैसे जब मैथ का कोई फॉर्मूला समझ में आ जाता था तो पूरा अभ्यास हल हो जाता था, नहीं पूरा पूरा अभ्यास। 100 क्वेश्चन है 100 लगा डाले रात भर में, क्योंकि आंसर जैसे सही निकलता था मजा आ जाता था। और जहां फॉर्मूला नहीं समझ में आया और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, वह किताब बंद हो गई। अब सो यार, सब अर्जी एक्स प्लस वाई माइनस टू बराबर बता रहा है टेन कॉस थीटा। समझने का खेल है, जिसको जितना समझ आता है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं जो बहुत जटिल हैं, एक इंसान का दिमाग और एक ब्रह्मांड खुद। पता ही नहीं सीमा कहां है, क्या है इसके ऊपर, क्या है। जो दिमाग लगाता है वो पागल हो जाता है। अब मान लो ये हमारी गैलेक्सी है, इसमें हम रहते हैं, तो यहां से यहां आने में 1,00,000 लाइट ईयर लगेगा। 1,00,000 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर में 10 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं 1 लाइट ईयर में। एक तो 100 लाइट ईयर में, तो 200 लाइट ईयर में, 300 लाइट ईयर में, 400 लाइट ईयर में, 500 लाइट ईयर, एक में 10 ट्रिलियन किलोमीटर, 10 खरब किलोमीटर, एक में, 100 में। उतने सोचने में हालत खराब है। और कितनी डिस्टेंस है, 1,00,000 लाइट ईयर। ये हमारी गैलेक्सी, उसकी बात कर रहा हूं। अनगिनत गैलेक्सियां, अनगिनत। कहते हैं ये वाली सबसे छोटी है, इसलिए तो आदमी आसमान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता, हो जाएगा। फॉर्च्यूनर खरीद के कैसे खड़ा होता है अकड़ के। वो फॉर्च्यूनर वाला अगर आसमान की तरफ देख ले तो फॉर्च्यूनर कचड़ा नजर आने लगे। तभी तो जिन लोग का ऐठन पैदा हो जाती है उनसे क्या कहा जाता है, कि जमीन पे चलो, काहे आसमान में उड़ रहे हो। इसकी बड़ाई कितना बड़ा है किसी को पता ही नहीं क्या है। डार्क मैटर कह के साइंस ने रोक दिया, गाड़ में जाए हमसे क्या, रोक दिया।